Congress Vice President Rahul Gandhi has launched a scathing attack on Prime Minister Narendra Modi, accusing him of making deliberate attempts to weaken labour laws, which are creating dissatisfaction among the workers. Alleging that Modi has launched a big assault on the workers, a combative Gandhi vowed to fight the battle like the Congress did for the farmers on the land acquisition bill. Rahul Gandhi was speaking at the 31st plenary session of INTUC, the trade union wing of the Congress. Gandhi's attack on the Modi dispensation came after INTUC chief G. Sanjeeva Reddy accused the government of launching an assault on interest of the laborers in various ways. Congress party ne aapke liye ek safety net taiyar kiya tha. Modi ji us safety net ko todna chahte aur tod rahe hain. मोदी जी मजदूरों की जॉब सिक्योरिटी घटाकर उनसे बेहतर काम नहीं कराया जा सकता. यूनियन बनाना मुश्किल करने से मजदूरों की समस्या नहीं हल होगी. बेसिक नेसेसिटीज खत्म करने से मेक इन इंडिया सफल नहीं हो सकता. पानी, टॉयलेट, सुरक्षा के उपाय, 8 घंटा काम और ओवरटाइम काम के लिए पेमेंट को हटाने से मजदूर की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ने वाली. मजदूरों को कॉन्ट्रैक्ट पर डालकर उनसे आप ज्यादा काम नहीं निकाल सकते. मजदूर को जब तक अपने भविष्य के बारे में डर होगा तब तक वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा. उसको आप उसके बच्चों का भविष्य दिखा दीजिए और फिर देखिए वो हिंदुस्तान को कहां पहुंचाता है. उसे आने वाले कल के बारे में नहीं पता होता. आप इस डर को मिटा दीजिए मोदी जी और फिर देखिए चीन कहां हो जाता, कहां रह जाता है और हिंदुस्तान कहां चला जाता है. मैं नहीं मानता कि सरकार का काम मजदूरों से जबरदस्ती काम कराने का है. मजदूरों और इंडस्ट्री के बीच पार्टनरशिप तभी संभव है जब सरकार एक जज का काम करेगी, ना कि पूंजीपतियों के एडवोकेट का. पावर्ड बाय NNIS.